नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNTV इंडिया की एक और नई वीडियो में। दुनिया के किसी इंसान ने अपनी आंखों से डायनासोर जैसे विशाल जीव बेशक नहीं देखे हो, लेकिन कई जगह उनके किसी निशान के सहारे उनके अस्तित्व में होने के सबूत जरूर मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ सबूत अमेरिका के टेक्सास में डायनासोर वैली स्टेट पार्क से गुजर रही एक सूखी हुई नदी में देखने को मिले। दरअसल पार्क में नदी के सूखने के बाद निचली सतह पर डायनासोर की दो अलग प्रजातियों के पैरों की छाप मिली है, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई है। टेक्सास की जिस नदी में डायनासोर के पैरों की छाप देखी गई, वो डायनासोर वैली स्टेट पार्क से होकर बह रही है। नदी के अंदर ही उस ट्रैक का कुछ हिस्सा डूबा हुआ था, जिस पर से डायनासोर गुजरा करते थे। जिन डायनासोर के पैरों की छाप नदी के नीचे मिली है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे करीब 113 मिलियन साल पहले धरती पर हुआ करते थे। ये फुटप्रिंट एक्रोकैंथोसोरस नामक डायनासोर के हैं, जिनका वजन करीब 60 टन तक होता था। वहीं कुछ निशान सेरोपोसिडोन प्रजाति के भी मिले हैं, जिनका वजन 44 टन से भी ज़्यादा होता था। देखें ये वीडियो।